Hello, assalamu alaikum. Welcome back to another technical video. In today's interesting video, we will discuss about CapCut PC editing tutorial. So, video ke saath end tak judiye rahega. Aur agar koi bhi problem ho, to aap humse comment section mein pooch sakte hain ya aap hume Instagram pe message kar sakte hain. So, let's start the tutorial. CapCut PC is like a pro version of CapCut Mobile. इसमें आप काफ़ी अच्छे एडिटिंग कर सकते हैं. इसमें आपको बहुत अच्छे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आप वीडियो को अप टू 4K एंड 2K भी सेव कर सकते हैं, और यहाँ पे वाटर मार्क भी नहीं आएगा. आप इनको ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दिया है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं. तो डाउनलोड करने के बाद आपने CapCut को ओपन कर लेना है. उसके बाद स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक कर लेना है. आफ्टर दैट आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है. यहाँ से आप वीडियो, पिक्चर या जो भी आप एडिट करना है उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे. उसके बाद आप यहाँ पे वीडियो का प्रीव्यू देख सकते हैं जो कि आपने एडिट करना है. उसके बाद आपने प्लस के ऑप्शन पे आकर इसको नीचे इंपोर्ट कर लेना है. वीडियो जैसे ही इम्पोर्ट हो जाएगी तो साइड पर कुछ बेसिक ऑप्शन आ जाएंगे. हम सबसे पहले उनको यूज़ करेंगे, उसके बाद कलर एडजस्टमेंट की बात करेंगे एंड इफेक्ट्स, एंड उसके बाद ट्रांजिशन की बात करेंगे. नंबर 1 पे ऑप्शन है स्केल का. यहाँ से आप वीडियो को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन है रोटेशन एंड पोजिशन का, उसको आपने नहीं चढ़ना. एंड उसके बाद ऑप्शन है ब्लेंड का. यहाँ से आप वीडियो की ओपेक्सिटी चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कम करेंगे तो वीडियो डार्क हो जाएगी, अगर ज़्यादा रखेंगे तो वीडियो नॉर्मल हो जाएगी. उसके बाद नीचे ऑप्शन है स्टेबलाइज का. स्टेबलाइज का मतलब ये है कि अगर आपकी वीडियो ज़्यादा इरेगुलर मूवमेंट कर रही है, ज़्यादा अगर वीडियो हिल रही है, तो यहाँ से आप वीडियो को बिल्कुल स्टेबल कर सकते हैं. उसके बाद नीचे ऑप्शन है कन्वेक्स का. यहाँ से अगर आपकी वीडियो जूम इन है तो यहाँ से आप उसका कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, या कोई ब्लर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, या कोई स्टाइल रख सकते हैं. सो ये तो कुछ बेसिक ऑप्शंस थे. अब हम इसके बाद बात करेंगे कलर एडजस्टमेंट की. कलर एडजस्टमेंट के लिए आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है. उसके बाद साइड पे बेसिक एंड HSL का ऑप्शन आ जाएगा. सबसे पहले हम बेसिक के ऑप्शन को यूज़ करेंगे, उसके बाद कलर ग्रेडिंग थ्रू HSL भी करेंगे. सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है टेम्परेचर का, फिर है यू एंड सेचुरेशन का. टेम्परेचर से आप पूरी वीडियो का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप वीडियो का जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे वीडियो उतनी येलो हो जाएगी, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो वीडियो उतनी वाइट टाइप हो जाएगी. अभी मैं कुछ एज अ डेमो एडिटिंग करूँगा, उसके बाद आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं. सेचुरेशन से आपकी वीडियो रेड टाइप हो सकती है, अगर आपने उसको हल्का रखना है तो आपकी वीडियो डार्क होगी, अगर आपने बढ़ाना है तो यहाँ से आपकी वीडियो रेड टाइप हो जाएगी. उसके बाद आप यहाँ से ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. हाईलाइट जितने आप कम रखेंगे उतना ही वीडियो आईफोन टाइप लुक देगी. इल्यूमिनेशन एंड ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ये तीनों लाइक अ सेम चीज़ है. आप इस तीनों से वीडियो की ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे नीचे शार्पनेस का ऑप्शन भी है. आप वीडियो का शार्पनेस भी इंक्रीज़ कर सकते हैं. अगर आपने शार्पनेस इंक्रीज़ करना है तो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करें, ज़्यादा शार्पनेस से वीडियो के पिक्सल पे फ़र्क आ सकता है. पार्टिकल के ऑप्शंस को आपने यहाँ पे नहीं चढ़ना. उसके बाद अगर आपने विजनेट यूज़ करना है तो आप यहाँ से विजनेट भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद आएंगे HSL के ऑप्शन पे. नंबर 1 कलर है रेड का. वीडियो में जो भी ऑब्जेक्ट रेड कलर का होगा तो आप उसके कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं. क्योंकि मेरी वीडियो में अब रेड कलर का कोई ऑब्जेक्ट था नहीं, तो मैं इसलिए रेड कलर को छेड़छाड़ नहीं कर रहा. जो सेकंड कलर है उसके बाद मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ. नंबर 2 कलर है ऑरेंज टाइप कलर है. यहाँ से आप बंदे के फेस कलर जो होगा आप उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, या जो भी वीडियो में ऑरेंज टाइप कुछ चीज़ होगा तो आप उसके कलर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं.
एंड सेम मैं जस्ट एज अ डेमो कुछ एडिटिंग करूँगा, उसके बाद आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद कलर है येलो, वीडियो में जो भी येलो ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे उसका कलर चेंज होगा। उसके बाद है ग्रीन, एंड वीडियो में जो ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट होगा उसका यहाँ पे ब्राइटनेस या सेचुरेशन जो है वो यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ह्यू के साथ आपने बहुत कम छेड़छाड़ करना है, क्योंकि ह्यू से आपकी वीडियो का बैलेंस थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है। उसके बाद है ब्लू कलर, ब्लू कलर से आप आसमान का कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। और आपको देख रहा होगा कि वीडियो काफ़ी हमारी साइनमेटिक टाइप हो गई है, आप ये ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं या आप अपनी तरीके से भी इसको एडिट कर सकते हैं। कलर एडजस्टमेंट के बाद हम बात करेंगे स्मूथ स्लोमो के बारे में। स्मूथ स्लोमो लगाने के लिए यानी कि स्पीड चेंज करने के लिए आपने वीडियो को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर देना है यानी कि स्प्लिट कर देना है। आप इस ऑप्शन से वीडियो को किसी भी जगह स्प्लिट कर सकते हैं यानी कि डिवाइड कर सकते हैं। वीडियो को आपने छोटे छोटे क्लिप्स में डिवाइड कर देना है ताकि स्मूथ स्लोमो परफेक्टली लग जाए। यहाँ पर मैं कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा हूँ। आप यहाँ से इसको जूम इन या जूम आउट भी कर सकते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। क्लिप्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जिस भी क्लिप का आपने स्पीड चेंज करना है उस पे आपने क्लिक कर लेना है। आप जैसे क्लिक कर लेंगे तो ये साइड पे कुछ बेसिक ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको आपने सबसे टॉप स्पीड पे आ जाना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, नॉर्मल एंड कर्व। नॉर्मल से आप पूरी वीडियो का यानी कि पूरे क्लिप का स्पीड चेंज कर सकते हैं, और कर्व से आप किसी पॉइंट का भी चेंज कर सकते हैं यानी कि वीडियो स्लो होगी फिर तेज़ होगी, यानी कि आप कर्व में उस तरह की एडिटिंग कर सकते हैं। कर्व में आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे कस्टमाइज या मुख्तलिफ किस्म के, आप किसी में भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ मैं कस्टमाइज पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जिस भी पॉइंट पे आपने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है वहाँ पे आपने इस कर्सल को ऊपर या नीचे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने स्मूथ स्लोमो पे क्लिक कर लेना है, एंड उसके बाद आपने ऑप्टिकल फ्लो पे क्लिक कर लेना है, एंड वीडियो आपकी बिल्कुल स्मूथ स्लोमो पे लग जाएगी। तो अगर आपने पूरे क्लिप को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से भी सेम प्रोसीजर इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, उसके बाद स्मूथ स्लोमो पे क्लिक करें, उसके बाद ऑप्टिकल फ्लो पे क्लिक करना है। सो इस तरह आप अपनी वीडियो पर स्मूथ स्लोमो लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कैपकट अफेक्ट्स एंड ट्रांजिशन की। अफेक्ट्स एंड ट्रांजिशंस के लिए आपको यहाँ अफेक्ट्स पे आ जाना है। उसके बाद आपने जो भी अफेक्ट यूज़ करना है उसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ वीडियो अफेक्ट्स पे आकर सारे अफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सारे वही जो कैपकट मोबाइल में ऑप्शंस थे वो ऑप्शंस भी है। उस ऑप्शंस के अलावा मज़ीद ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए गए हैं।
अब किसी इफेक्ट को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसको वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करें, यानी कि उस पर क्लिक करने के बाद आपने उसको यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। आप दो इफेक्ट्स को भी एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, जितने भी इफेक्ट्स आपने एट अ टाइम यूज़ करने हैं तो आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इफेक्ट को थोड़ा चेंज करना है, यानी कि उसकी स्पीड चेंज करनी है या उसको ओपेसिटी चेंज करनी है, तो आप उस इफेक्ट पे क्लिक करें, उसके बाद आप उसका स्पीड या ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप कोई भी इफेक्ट किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन को आप हमेशा दो क्लिप्स के दरमियान ही यूज़ कर सकेंगे, यानी कि एक क्लिप जब स्टार्ट हो रहा होगा या दूसरा क्लिप जब एंड हो रहा होगा, तो आप उसके दरमियान इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम आपने इसको पहले डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आप जब यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो उस क्लिप में ट्रांजिशन यूज़ हो जाएगी। एंड सेम फॉर द ट्रांजिशन पे क्लिक करने के बाद आप उसके ड्यूरेशन को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए रखना है तो आप उसको कम या ज़्यादा भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे एनिमेशंस की। यहाँ पे स्पीड के बाद आपको एनिमेशंस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप एनिमेशन को किसी भी पार्ट में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एनिमेशन का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो वो उतना ही उसका ड्यूरेशन बढ़ेगा, अगर आप कम करेंगे तो उसका ड्यूरेशन उतना कम होगा। यहाँ पे तीन ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं इन आउट एंड कॉम्बो का। इन में आप वीडियो के स्टार्ट में, यानी कि क्लिप के स्टार्ट में आप एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। आउट में आप क्लिप के एंड में एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। एंड कॉम्बो में वो रिपीट ऑप्शन पे वो चल रहा होगा जो आप एनिमेशन यूज़ करेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे म्यूज़िक के बारे में कि आप म्यूज़िक किस तरह लगा सकते हैं, यानी कि आप साउंड को कैसे यहाँ पे लगा सकते हैं। आप वीडियो का साउंड को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसको म्यूट करना है तो आप इसको यहाँ से म्यूट भी कर सकते हैं और अपना साउंड भी अपलोड कर सकते हैं। आपने यहाँ ऑडियो के ऑप्शन पे आ जाना है, उसके बाद आप यहाँ से भी कुछ साउंड उठा सकते हैं। अगर आपने ये साउंड यूज़ करना है तो आप ये कैपकट के साउंड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना कोई साउंड है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। म्यूज़िक को आपने जितना यूज़ करना है उसको वहाँ तक स्प्लिट कर दे और रिमेनिंग पार्ट को आपने डिलीट कर देना है। एंड दैट्स ऑल, वीडियो इज रेडी टू एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के लिए आपने यहाँ एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। नंबर वन पे है टाइटल ऑफ अ वीडियो, आप यहाँ पे वीडियो का नेम चेंज कर सकते हैं। एंड नंबर टू पे है फोल्डर, जिस फोल्डर में आपने सेव करना है। उसके बाद है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन अगर आपने 720p, 1080p या 2K, 4K भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बाइट रेट आपने यहाँ पे हाई रखना है। उसके बाद है कोडेक। कोडेक का आपने हमेशा H.264 ही सेलेक्ट करना है। फॉर्मेट आपका अगर MP4 के अलावा कुछ और है तो आपने यहाँ पे MP4 रखना है। उसके बाद फ्रेम रेट 60fps, 50fps, 40fps आप अपने डिवाइस के मुताबिक यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपने कोई म्यूज़िक अपलोड किया हो तो आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एंड उसका फॉर्मेट यहाँ पे आपने MP3 ही सेलेक्ट करना है। एंड दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड कैपकट के टेम्पलेट्स के लिए भी चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तब तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।